हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर टू फ्रॉम योर इंग्लिश बुक हनी सकल। ओके, सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। सो लेट्स सी द चैप्टर। ओके, डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव द वे वोल्स डू इन फ्रीडम अंटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ। ओके, सो ये समय की बात हो रही है बहुत पहले की, कि डॉग्स अपने खुद के मास्टर हुआ करते थे लाइक वुल्स। ओके, और जब तक कि एक ऐसा डॉग नहीं हुआ कि जिसको वो लाइफ पसंद नहीं थी, ठीक है। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड एंड बींग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही। फ्राइटेंड मीन्स टू बी स्केयर, ठीक है, डरा हुआ। अब एक डॉग ऐसा हुआ जिसको कि अकेले घूमने में, अकेले रहने में अच्छा नहीं लगता था, वो अकेले खाना ढूंढ ढूंढ के थक गया था और जो है दूसरों से डर के भी, ठीक है, कोई स्ट्रॉन्गर है उससे तो उसको डरा दिया करता था, ठीक है। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on the earth. And he set out to find such a master. Okay, so he thought कि उसने सोचा कि ऐसा करने से अच्छा है मैं ये जो है कोई मास्टर ढूंढ लेता हूँ जिससे मैं अपने नाम से फूड भी मुझे मिलेगा और मुझे जो है सिक्योरिटी मिल जाएगी, मतलब मैं कोई मुझे डर आएगा नहीं, ठीक है। उसने सोचा किसी का सर्वेंट बन जाता हूँ, लेकिन कंडीशन उसने क्या रखी, जो अर्थ पे स्ट्रॉन्गेस्ट हो। ओके, He walked and met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fiery. ठीक है, तो उसने जाते हुए, वो kinsman होता है relative, okay? So यहाँ पे लिखा है old fashioned word और relative, okay? Fiery means frightening, okay? डरा, एकदम डरावने वाली। तो वो जाते जाते रास्ते में wolf से मिला जो कि जो है काफ़ी डरावनी सी लग रही थी, ठीक है, और काफ़ी स्ट्रांग लग रही थी, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। वुल्फ ने पूछा, डॉग तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद। अब वो कह रहा है कि डॉग ने कहा कि मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जिसकी मैं जिसको मैं सर्विस दे सकूँ, ठीक है। मीन्स आई वॉन्ट अ मास्टर फॉर माई सेल्फ, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। अब उसने वुल्फ से पूछा, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड। वुल्फ ने कहा ठीक है ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बन जाऊँगा, ठीक है। एंड दिस अग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। अब दोनों साथ साथ रहने लगे। दे वॉक्ड एंड ऑल ऑफ सडन, ऑल ऑफ सडन मीन्स सडनली, अचानक से वुल्फ ने एक अपनी नोज लिफ्ट करी, ठीक है। इस लिफ्ट डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ एंड इन टू द बुशेस एंड क्रेप्ट डीपर इन टू द फॉरेस्ट। का मतलब क्या है कि जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि एनिमल्स कैसे पहचानते हैं डेंजर, ठीक है, कोई एनिमल है उनके सामने या फिर जो है आसपास या कोई इंसान है, वो अपनी नोज से, ठीक है, स्मेल करते हैं। उसने कुछ स्मेल किया और अचानक से डार्टेड मीन्स एकदम से जो है मूव क्विकली, एकदम से पीछे हट जाना, ठीक है, तो और बुशेज में जाके छुप गया वो, ठीक है। द डॉग वॉज मच सरप्राइज। डॉग ने पूछा कि क्या हो गया, व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, मास्टर क्या हुआ, व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो मच, तुम्हें किस चीज़ ने डरा दिया। Can't you see? There's a bear out there, and he might eat up both of us, you and me. अब वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं, तुम्हें देख नहीं रहे हो, एक बियर है वहाँ पे, भालू है, और जो हम दोनों को खा जाएगा। Seeing that the bear was stronger than the wolf, अब डॉग ने देखा कि अरे जो है बियर वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, तो उसने जो है वुल्फ की कंपनी छोड़ी और डॉग के साथ चल पड़ा। द बियर अग्री टू दिस रीडली। अब उसने बेयर से पूछा, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। उसने कहा ठीक है, लेट्स गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस। अब बेयर ने क्या कहा कि चलो चलो एक काऊ का, गाय का झुंड देखते हैं, ढूंढते हैं। आई किल अ काऊ, मैं गाय को मारूंगा, एंड देन वी कैन बोथ ईट आर फिल, ठीक है, तो वो हम दोनों खाएंगे और अपना पेट भर लेंगे। दे वॉक ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउस, बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरेबल नॉइज। टेरेबल मीन्स वन विच कैन मेक अस स्केयर, ठीक है, डरा देने वाली। अब जो है वो जा ही रहा था, उसने गाय का झुंड देखा, लेकिन इतने में ही जो है, बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप, एकदम से वो एक नॉइज सुनाई पड़ती है और वो रुक जाते हैं। द काउज वर मून लाउडली एंड रनिंग इन द पैनिक ऑल डायरेक्शन। पैनिक मीन्स इन टेंशन, ठीक है, डर के मारे। अब जो है गाय चारों तरफ भाग रही थी इधर उधर डर के मारे, और मुंह जैसे काऊ जो गाय साउंड निकालती है ना, ऐसे आवाज़ निकाल रही थी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री। आप जो है
जो भालू था वो पेड़ के पीछे छुप गया, देखिए छुपा हुआ है और छुप के देख रहा है कि काय कर क्या रही, क्यों डरी भरी भाग रही है इधर उधर। एंड देन ही टू रन हेस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, हेस्टली मीन जल्दी से, और तब वो भी जो है फॉरेस्ट में जल्दी से छुप गया। क्यों छुप गया? नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हेयर, ठीक है सॉरी नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हेयर सेड ही टू द डॉग। ओके, तो उसने डॉग से कहा इट इज़ अ लायन हु रूल्स, अब हम यहाँ क्यों आए हैं? तो उसने कहा ये लायन आ गया है हु रूल्स फॉरेस्ट इन दीज पार्ट, जो कि फॉरेस्ट के इन पार्ट्स पे लायन का शासन है, ठीक है। द लायन हु इज ही, डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। अब डॉग ने पूछा कि लायन वो कौन होता है? बेयर ने आंसर दिया तुम नहीं जानते, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट होता है अर्थ पे। वेल देन आई से गुड बाय टू यू बेयर, अब उसने कहा ओके ओके ठीक है आपको तो फिर गुड बाय, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन द अर्थ, क्योंकि मैं तो वो मास्टर ढूंढ रहा हूँ जो कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। ओके, एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, अब उसने डॉग को सॉरी एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क, अब वो उसने जो है उसको छोड़ दिया उसकी कंपनी और लायन के पास गया ही मास्टर बनने के लिए, पूछने के लिए कि मेरे मास्टर बनोगे। द लायन अग्रीड टू इट, लायन अग्री हो गया एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्वड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और काफ़ी लंबे समय तक दोनों साथ रहे, डॉग ने उसको सर्विस दी। इट वॉज़ अ गुड लाइफ, अच्छी लाइफ चल रही थी एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, कोई भी कंप्लेन करने वाली बात नहीं थी, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लॉयन, और लॉयन से ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट भी नहीं था उसको दिख रहा था, एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। तो जैसा कि लॉयन जंगल का राजा होता है, तो जो है वो लॉयन का सर्वेंट था, तो उसको कोई भी डर नहीं था, कोई उसे हिम्मत भी नहीं कर सकता था परेशान करने की, ठीक है। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड, ठीक है एक दिन क्या हुआ, दोनों टहल रहे थे, कौन लॉयन और डॉग, लॉयन और डॉग टहल रहे थे, ठीक है। ही गेव अ ग्रेट, तो बट वन डे द टू ऑफ देम दोनों साइड में टहल रहे थे एक रास्ते में, ठीक है। दैट रैन अमिड बेयर क्लिफ्स, ठीक है एक क्लिफ एक छोटी सी पहाड़ उसे कह सकते हैं पहाड़ी टाइप की, ठीक है उसके बीच में। व्हेन ऑल ऑफ सडन द लॉयन स्टॉप्ड, अचानक से लॉयन रुक जाता है। ही गेव अ ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली, एकदम से दहाड़ता है, ठीक है और एकदम से जमीन पे गुस्से में पैर पटकता है विद सच फोर्स दैट अ होल फॉर्म देयर, इतने जोर से कि वहाँ पे होल हो जाता है, ठीक है। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और क्वाइटली मीन्स धीरे धीरे शांति से वो पीछे हटने लगता है। क्यों पीछे हटने लगता है? वॉट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, आस्क द डॉग सरप्राइज्ड। अब डॉग फिर से पूछता है बिल्कुल वॉन्डर होके कि क्या हो गया मास्टर। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, उसने कहा मैं एक व्यक्ति की स्मेल कर सकता हूँ, मतलब एक आदमी है आसपास, इंसान है एक, ठीक है। द लॉयन सेड वी वुड बेटर रन फॉर इट और वेल बी इन ट्रबल, ओके वील बी इन ट्रबल, वो कहता है कि बेटर होगा कि हम यहाँ से चले जाएं वरना हम खतरे में पड़ सकते हैं। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लॉयन, आई वांट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन द अर्थ। सो अगेन वो लाइन रिपीट हो रही है, ठीक है कि जो है ओके तो मुझे आपको गुड बाय कहना पड़ेगा क्योंकि मैं तो ऐसा मास्टर ढूंढ रहा हूँ पृथ्वी पर जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है। अब इसको पता चलता है कि लॉयन से भी ज़्यादा स्ट्रांग व्यक्ति है, इंसान है, ठीक है। एंड ऑफ द डॉग went to join the man and he stayed with him and served him faithfully. Faithfully means with loyalty, ईमानदारी से, ठीक है। तो इस तरीके से डॉग उसकी कंपनी छोड़ता है और मैन को ज्वाइन कर लेता है, और तब से अब तक उसको जो डॉग है वो मैन को इंसान को faithfully सर्विस दे रहा है। This happened long, long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. और तब से आज तक जो है इंसान और कुत्ते का रिश्ता जो है डॉग का रिश्ता एक फेथफुल मास्टर और सर्वेंट का रिश्ता है, ठीक है। हम सभी जानते हैं डॉग को एक फेथफुल एनिमल कहा जाता है, ठीक है। जब भी घर में कोई अननोन आता है या कोई चोर वगैरह तुरंत वो अपनी ड्यूटी निभा के भौंकता है और जो भी वो बेस्ट ट्राई कर सकता है वो करता है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी, लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर। हरी ओके डिस्कस दिस क्वेश्चन इन पेयर, ओके सो यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं वो पैराग्राफ के दिए गए, उन पैराग्राफ में आपको आंसर आसानी से मिल जाएंगे। व्हाई डिड द डॉग फील द नीड ऑफ मास्टर, ठीक है उसको मास्टर की नीड क्यों लगी, क्योंकि ही गॉट टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर एंड सर्च ऑफ फूड अलोन। ओके हु डिड द
हु डिड ही फर्स्ट चूज एज इस मास्टर, उसने सबसे पहले किसको चुना था, ठीक है? तो आप ही बताएंगे, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे किसको मास्टर चुना था, हम चैप्टर पढ़ा चुके हैं आपको. व्हाई डिड ही लीव दैट मास्टर, और उसने मास्टर को क्यों छोड़ा, ठीक है? हु डिड ही चूज नेक्स्ट, सेकेंड नंबर पर किसको चुना था, ये भी आप आंसर करेंगे. Why did he serve the lion for a long time? सबसे ज़्यादा टाइम तक उसने लॉयन को सर्विस दी, क्यों? क्योंकि जो है उसको कोई लॉयन जो है राजा होता है जंगल का, और जो है उसको कोई कंप्लेन भी नहीं थी, और लॉयन का सर्वेंट होने के कारण उसको कोई डेयर भी नहीं कर सकता था टच करने की, ठीक है? Who did he finally choose as his master and why? तो फाइनली उसने मैन को सर्विस दी, और जो है क्योंकि वो जो है उसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिला. ओके, सो वील वाइंड अप हेयर. आई होप आप लोग को चैप्टर समझ में आया होगा. मुझे रिप्लाई करके ज़रूर बताएंगे कि आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन कैसा लगा. ओके, थैंक यू टिल देन.